जमा पूंजी क्या, यानी कितने पैसे कितने सेट करूंगी। इससे पहले मैं सोचा आपको दिखा दूं, बिकॉज़ आप लोग पूछते हो। तो ये गुड चावल एंड लुक्स यम्मी। Hello friends, good morning and welcome back to my channel Manchi Vlogs. And yes, cheers. चाय के साथ happy वाला morning. Yes, सुबह के जैसे आपने देखे छोटे मोटे सारे काम हो गए हैं. So तो मैं सब काम करने के बाद चाय बना लेती हूँ, ढक के रख देती हूँ, बिकॉज ये सारे जो छोटे मोटे सुबह के काम होते हैं ना, वो आराम से करने के बाद फिर शांति से बैठ के चाय पीती हूँ. अदरवाइज ना चाय पीते पीते वो मज़ा नहीं आता, वैसा लगता कि यार अभी ये करना है, अभी ये सोख करना है, वो करना है, दिमाग में हज़ार चीज़ें चलती हैं. तो सारा जब मैं कर लेती हूँ, दूध वूध ये सब कुछ चढ़ा वढ़ा के सेट करके, देन आई सेट एंड रिलैक्स माय मॉर्निंग का चाय, बिकॉज चाय पीना आई एंजॉय और मुझे अच्छा लगता है बैठ के शांति से चाय पीना. तो सुभाष और अनन्या तो अभी सो रहे हैं, अभी हो रहे हैं 9:45. मैं अराउंड जनरली इन टाइम पे ना मैं 8:39 के बीच में उठ जाती हूँ, इससे जल्दी नहीं उठती हूँ, बिकॉज रात को बहुत लेट होते हैं, हम लोग सीरीज़ वगैरह देखते हैं, बाकी सब कुछ करके चाय पीते पीते मुझे 9:45 के अराउंड हो जाता है, फिर जाके बाकी यू नो दिन का काम स्टार्ट होता है. बाल इतने अच्छे लग रहे हैं ना आज, एक्चुअली जिस दिन शैम्पू करो ना उसके नेक्स्ट डे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब फ्रेश फ्रेश शैम्पू वाले डे में नहीं, नेक्स्ट डे. आप भी बताना आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या. और मेरे हेयर केयर के लिए आप लोग इतने सारे आपके कमेंट्स आते हैं. यार हेयर केयर में मैं जनरली व्लॉग्स में शेयर ही करती हूँ जो हेयर पैक्स वगैरह लगाती हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं. और होगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक वीडियो में कंसोलिडेटेड सारा लेके आऊँ. और हेयर प्रोडक्ट्स में यार जैसे आपको पता है मैं स्किन का, हेयर का जो मेरा बेसिक रूटीन है वो हेयर पैक्स यू नो घर में लगाने वाले वो सब यूज़ तो करती हूँ, और बीच में डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ करती रहती हूँ, जो मतलब मैं दिखाऊंगी मैं आपको कभी, बट वो चेंज करती रहती हूँ, मतलब मैं एक ब्रांड पे स्टिक नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे यू नो अलग अलग चीज़ों की खुशबू, एक ब्रांड एक कोई भी मैंने अगर यूज़ किया, सपोज बायोटिक का यूज़ किया, तो उसके स्मेल से ना कुछ दिन बोर हो जाती हूँ, तो वो जब खत्म होता है फिर कुछ और यूज़ करती हूँ, फिर वो जब फिनिश हो जाता है उसके बाद कुछ और ब्रांड यूज़ करती हूँ. सो ऐसा मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ करती हूँ, बट बेसिक मेरा जो स्किन केयर है और हेयर केयर है वो जो नेचुरल मैं घर में फेस पैक हेयर पैक्स लगाती हूँ वही है. यस मेरी चाय ठंडी हो रही है, सॉरी. और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पोहा, सिंपल सा नाश्ता है आज. और जब मैंने डोसा बनाया था ना लास्ट टाइम, तो इतने सारे आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे टिप्स हैं डोसा का. ऐसा है ना मेरा कि डोसा मेरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन कभी कभी तो इतना मस्त निकल के आता है, बिल्कुल मार्केट जैसा वो जो उसकी जो लुक होती है वो, लेकिन कभी कभी नहीं आता अच्छा लुक. मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है साउथ इंडियन खाना, इडली डोसा बहुत अच्छा बनाती है. बचपन में हम बैंगलोर में थे, सो मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से स्टार्ट की थी, बैंगलोर से फर्स्ट स्टैंडर्ड. कैंप एरिया जो है आर्मी एरिया, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल था वहाँ से. सो वहाँ पे मम्मी ने सीखा था साउथ इंडियन फूड बनाना, वो बहुत अच्छा बनाती है. बट मेरा इडली वगैरह अच्छा बनता है, डोसा इज लाइक ओके. तो या आप सबके इतने अच्छे अच्छे टिप्स आए, सो उसके लिए थैंक यू. आई विल ट्राई याद रख के उन टिप्स को नेक्स्ट टाइम जब मैं इडली डोसा बनाऊँ टू यूज देम. सो होपफुली कंसिस्टेंसी सही आएगी नेक्स्ट टाइम, लेट्स सी. सो या थैंक यू सो मच.
उसे अभी रखा नहीं है, ऊपर है देखना, ठंडा नहीं है, वैसे भी ठंडा नहीं देना नीचे। ये जूस आई डोंट लाइक दिस जूस, बिल्कुल अनहेल्दी है, नॉट गुड, बट या कभी कभार हम पीते हैं बिकॉज ये इंसान जो है और यहाँ पे ये इंसान जो है इन दोनों को जूस चाहिए होता है, बट या एज अ हेल्दी ऑप्शन नहीं पीते हैं, हेल्दी ऑप्शन नहीं पीते, दिस इज नॉट हेल्दी ऑप्शन। सुभाष हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं दिख रहा है कुछ। नो एडेड शुगर, नो एडेड कलर, नो एडेड प्रिजर्वेटिव, गुड, ट्रॉपिकाना 100% जूस। तुम शक्ल नहीं चलाओ, मैं बोलती हूँ हाँ 100% रियल जूस, ठीक है। लेकिन हर बार हर पैकेट में, तुम भी आ जाओ, हर बार हर पैकेट में सेम कलर आता है, नो कलर हाँ एडेड, हर पैकेट में सेम शुगर का टेस्ट आता है, मिठास, नो शुगर एडेड ना सब में। यू नो एक एक दो दो महीना आप बिना फ्रिज में डाले भी इसको रख सकते हो, लेकिन नॉर्मल जूस आप ग्लास में भर के आधे घंटे रखो तो कड़ा हो जाता है, बट इसमें नो प्रिजर्वेटिव। तो आप ही बताओ ये कितना हेल्दी है, बिकॉज सुभाष को ये बहुत हेल्दी लगता है। देखो शक्ल नीचे करो, लंबू नीचे आप, हाँ। तो इस इंसान को प्लीज कमेंट करके बताओ कि ये कितना हेल्दी जूस है। नहीं हम इसको, वैसे मैं हेल्दी की तरह नहीं देती हूँ अन्य सुभाष को, ये कभी कभार ओकेजनली ही वो पीते हैं, लटक जा, बट ये आता है सुभाष की वजह से। सो प्लीज मुझे कमेंट करके बात बोला कि अनहेल्दी है, शुगरी होता है ये। ऑल द क्रेडिट गोज टू दीज टू पीपल, ये एक लटकता हुआ बंदा और ये एक बड़ा बड़ा मंकी, मंकी बोलने में गंदा लगता है, बंदा ज्यादा गंदा लगता है, इंग्लिश में गाली गाली नहीं लगती। ये भालू और एक बंदा, चलो चलो बैठो, नाश्ता लेकर आते, चलो बैठो उधर। It's been a few years now, and this cold town is not quite the same. I wish you were here now, by the fires. और लास्ट टाइम जो एनजीओ का मैंने आपको बताया था ना, या दे डिड कम सेवादीप का, और वो पिक करके गए हैं, तो उसका मैंने क्लिपिंग रखा है उनसे, यू नो मैंने बात की थी कि वो क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं। सो उनके सारे डिटेल्स जो हैं, वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं नीचे दे दूंगी। सो इनकेस आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हो तो आप यू नो उसमें आप कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे पुणे में कहाँ पे आपका ऑफिस एग्जैक्टली? ऑफिस हमारा बानेर में है। अच्छा, तो हम मुलसी में काम करते हैं। अच्छा, तो ट्राइबल लोग रहते हैं ना। अच्छा, तो आप लोग पिकअप करते हो सारा? अच्छा, फर्नीचर, अच्छा सब कुछ रहता है ना, सब कुछ रहता है, कुछ। और पुराना नया सब लेते हो ना आप? पुराना नया, पैसे वाले डोनेशन भी लेते हो ना आप? वो भी लेते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना, उनका हम घर बना के देते हैं 1 BHK। अच्छा अच्छा, तो उनमें हम फर्नीचर भी देते हैं। अच्छा, कपड़े भी। अच्छा, मतलब बेसिकली सब कुछ, मतलब जो भी घर के सामान वगैरह सब कुछ। ठीक है भैया, ठीक है। और इंडिया में काफी जगह है ना इसके चेन वगैरह, एक बार चेक करना। थैंक यू भैया, नाम नंबर। और उन्होंने एक रिसीट भी दिया है प्रॉपर कि भाई सामान लेके गए हैं। जेनुइन एड्रेस भी है पुणे का, तो उनका एड्रेस भी है पुणे का, ये कॉन्टेक्ट नंबर, जो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है उनका। सो तो अगर आप करना चाहते हो तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। और ये देखो हमारी, मजा आता है ऐसे जोकर। मैं लास्ट टाइम बोली थी अरे जल्दी बड़ी कैसे होगी, देखो मैंने रोज प्रूव करी कि नहीं वो बड़ी नहीं हुई है, अभी भी वो छोटी बच्ची ही है। और भाई अनन्या को अपने वो दिखानी थी आपको, जमा पूंजी की, अनन्या ने कितने पैसे, कितने प्रेशियस चीजें इकट्ठी करी, दिखाओ भैया अनन्या। सब थीव्स सोचेंगे हे अनन्या कितनी रिच है, हम इससे चोरी कर लेंगे। जेम्स तो दिखाओ, फिर तो थीव सोचेंगे बाप रे क्या है ये सब, रूबीज हैं और क्या क्या हैं सब, एमरल्ड रूबीज। देखो भैया कितने प्रेशियस स्टोन्स हैं अनन्या के पास, चोरी नहीं करना कोई, अनन्या पुलिस बुला लेगी, जेल में डलवा देगी, वरना मैं फ्रीज कर दूंगी। अनन्या पुलिस बुला लेगी फ्रीज कर देगी आपको। और इन पैसों को अनन्या, ये जेम्स इकट्ठा किया अनन्या ने, बिकॉज इनको एक एक करके सेल करके अनन्या क्या करने वाली है, पैसे कमाने वाले। हाँ, इनको सेल करेगी ये, और ये पैसे सेल नहीं करूंगी मैं, तो फिर पैसे कैसे कमाऊंगी? अभी मैंने मेरा माइंड चेंज, नहीं सेल करोगी, जमा करोगे। हाँ, और दिखाऊंगी आपको कितने कितना रिच हूँ मैं, आपसे भी रिच बन जाऊंगी, सबसे रिच बन जाएगी अनन्या, वर्ल्ड्स नंबर रिचेस्ट गर्ल अनन्या। सामान रखा है, तो ये है एक, इनको सेट करना है, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये है ग्रोसरी का पूरा मंथ को सामान तो नहीं बोलूंगी मैं, बट थोड़ा बहुत सामान उसको सेट करूंगी। इससे पहले मैं सोचा आपको दिखा दूं, बिकॉज आप लोग पूछते हो कि मैं ग्रोसरी दिखाती नहीं हूँ आपको। सो दिस इज लाइक, मैं क्या बोलूँ, मतलब पूरे महीने का नहीं है तो, बट ये कुछ थोड़ा बहुत सामान मैंने इकट्ठे मंगा लिए थे ओवर द वीक्स।
सो ये जब तक क्वारंटाइन होते 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 इकट्ठे हो गए, अब इनको सेट करना है, तो मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ क्या क्या है. ओके सो ये है ऑर्गेनिक मूंग दाल. मैं मोस्ट ऑफ द सामान जो है, जो भी पॉसिबल है, वो ऑर्गेनिक ही मंगाने का ट्राई करती हूँ. और बासमती राइस पे मुझे ये बहुत पसंद है, तो ये हमेशा मेरे घर में रहता है. यू नो, कभी बिरयानी बिरयानी खाने के लिए या फिर फॉर अ चेंज अगर खाना हो, तो ये अंबे मोर और श्रुति कोलन, शायद बोलते हैं उसको कोलम या कोलन, तो वो एक राइस रहता है हमारा. तेल में आई यूज मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम मस्टर्ड ऑयल, और तलने वलने के लिए मैं राइस ब्रान ऑयल आई यूज. बॉर्नविटा नो, अंडे के लिए नहीं है हमारे लिए है. और ये गलती से ना साबूदाना, मोटा वाला साबूदाना की जगह नहीं है, छोटे वाले साबूदाना ऑर्डर हो गए हैं, तो इनको भी यूज करना पड़ेगा. ये वही राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल. और हाँ, चाय में जैसे आपको पता है कि आई यूज जैगरी पाउडर, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेरा ये 24 मंत्रा के ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर यूज करती हूँ. ये है ऑर्गेनिक उड़द दाल. या नेक्स्ट रस्क में नफीस से बेस्ट बेटर कुछ नहीं है, तो ये है 3 पैकेट. अगर आप पुणे में हो, बाकी मुझे स्टेट्स का पता नहीं है, नफीस के टोस्ट खा के देखना, दे आर वेरी गुड. ये है रेड चिली, और ये भी ऑर्गेनिक रेड चिली है. इनको मैं धूप में डालूंगी, तो उसके बाद फिर फ्रिज में स्टोर करूंगी. उससे ना वो बहुत क्रंची क्रंची रहते हैं, जो मतलब ये जो होते हैं ना रेड चिली, उनमें कीड़े नहीं लगते, और बहुत जब भी आप उसको फोड़ते हो ना, तो वो क्रंच रहता है, ऐसे मुरझाए मुरझाए से नहीं रहते. ओके, समझ में आ गया ना पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा. अब तक तो मेरी भाषा समझ ही जाते होंगे आप लोग, इतना टाइम हो गया. ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑर्गेनिक जीरा, चाट मसाला, न्यूट्रीचॉइस बिस्किट के 2 पैकेट्स हैं. हम बिस्किट में, नॉट बिकॉज यू नो हमें हेल्दियर वर्जन चाहिए, इसलिए हम न्यूट्रीचॉइस वाले ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाते हैं. हमको इसका टेस्ट पसंद है, बिकॉज कोई भी बिस्किट हेल्दी नहीं होता है. यस, ऑर्गेनिक सूजी, बोलने की जरूरत नहीं है, ये क्या है. तो ये 3-4 पैकेट्स. विनेगर बहुत यूज होता है हमारा, सबसे ज्यादा यूज होता है पनीर बनाने में, और सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा नमकीन सेविया. यस, एग्स, बिस्किट्स, ये अन्या के फेवरेट बिस्किट, दो उसको व्हाइट क्रीम वाले पसंद है, बट देन केक वेक कुछ बनाना होता है तो उसके लिए गुड्डे बिस्किट फॉर अ चेंज डाइजेस्टिव बिस्किट से. एक और जीरा, एक गुड़ धनिया, एक और ऑर्गेनिक धनिया. सो या ये देखो, ये हो गया अभी का, अभी इसको सॉर्ट करना है. जानी ना, पहले मैं जब आ रहा था उसी टाइम पे सॉर्ट कर देती थी, लेकिन अभी क्वारंटाइन के चक्कर में ना सब इकट्ठा हो जाता है, तो उनको सॉर्ट करना भी एक टास्क हो जाता है. क्या बोलते हो अनन्या, है ना? मुझे गुड्डे का बिस्किट चाहिए और ओरियो का बिस्किट चाहिए. लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन हमको सामान सेट करने का, क्या गुड्डे बिस्किट खाए कि ओरियो बिस्किट खाए. आप सब कर सेट करोगे अभी भैया? नहीं, आप करोगे, आप हेल्प नहीं करोगे मेरी? सब देख रहे हैं. आपको दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैंने वापस से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया. आपने लास्ट टाइम पूछा था ना मैं कौन सा आमला कैंडी देती हूँ अनन्या को, सो ये भी बाहर रखा था, तो मैं दिखाना भूल गई. सो दिस इज फ्रेशो का, बीबी डेली से मैं ऑर्डर करती हूँ ना, तो वहां से ही आता है. सो अनन्या बहुत चट कर जाती है. क्या दिखा रहे हो? क्या दिखाऊंगी आपका आमला कैंडी खा रही हूँ, लास्ट टाइम खा रहे थे. सो ये है, ये दिवाली डेकोरेशन किया था ना मैंने, उस टाइम पे डेकोरेट किया था. खा लो, ये 2-3 दिन में चट कर जाएगी, है ना अनन्या? इतना पसंद है इसको करना. सो अभी जस्ट मैं आप लोगों का मेल्स वगैरह पढ़ रही थी, काफी लोगों के को ले करना, ऐसे चिकन वगैरह करते हैं वो है गेम. हाँ. ओके, सो किसी का मेल आया है मुझे, श्री श्री सोना करके, हमने सिर्फ लिखा है हाय. सो जस्ट यू नो एक सजेशन, और यू नो जस्ट अ पॉइंट टू क्लियर कि यू नो दिन में यूट्यूबर गेट्स लाइक आई गेट सो मेनी मेल्स, तो अगर आप सिर्फ हाय बोल के छोड़ दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा व्हाट इज दिस रिगार्डिंग स्पैम है क्या, कि व्हाट इज दिस. सो प्लीज एक सेंटेंस यू नो जस्ट मेंशन कि किस रिगार्ड में आपने वो मेल लिखा है, सो दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू रिप्लाई. या और एक और कमेंट आया था यहाँ पे, मैं बता कमेंट किया था मुझे, क्या नाम है, देवाशीष मित्रा,
सो देबाशिष मित्रा ने बोला था, यू नो हर डॉटर इज़ वन ऑफ माय वेरी बिगेस्ट फैन. सो मेरे और अनन्या की तरफ से उनकी डॉटर जिनका नाम है रूपकथा. अनन्या बोलो हाय रूपकथा, हाउ आर यू? हाय रूपकथा. सो बिग हाय. ओके, सो अभी चढ़ाने वाली हूँ मैं लंच, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ, पता नहीं क्या बनाने वाले आज लंच में, पता नहीं, गुड़ वाले चावल. अच्छा, वो मेरा फेवरेट है. वो एक्चुअली स्वीट सा टेस्ट आता है. यस, सो गुड़ चावल जो है ना वो विंटर्स में काफ़ी आई मेक बिकॉज बहुत हेल्दी होता है. गुड़ होता है, घी होता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, और फॉर अ चेंज बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली ना कल की सब्जी वब्जी थोड़ी थोड़ी सब बचा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ अगर देखते हैं रोटी वगैरह ये लोग खाएंगे तो साथ में थोड़े से गुड़ चावल. सो चलो मैं आपके साथ उसका रेसिपी शेयर करती हूँ. और बहुत सिंपल है. वाले चावल के लिए मैंने लिया है एक ग्लास चावल, जिसको मैंने सोक कर लिया था, मतलब धो के पानी निकाल दिया था, और इसको ऐसे रखा है आधे घंटे के लिए. घी चाहिए कुकिंग के लिए, और यहाँ पे हमको ये जो चीज़ें चाहिए ये है इलायची, लौंग, काली मिर्च साबुत हो तो बेस्ट है, मेरे पास नहीं है तो मैंने ये पाउडर वाला लिया है. यहाँ पे ये है आपके ड्राई फ्रूट्स, मैंने लिया है बादाम और काजू, और उनको थोड़ा सा कूट लिया है. और ये है आपके रेजिन्स, आप डेट्स वगैरह भी डाल सकते हो, खजूर वगैरह. तो एक ग्लास जो मैंने पानी गिर गया. ओके, सो एक ग्लास चावल में हम डालेंगे सेम अमाउंट, जितना आप चावल लोगे उतना ही अमाउंट, जैसे यहाँ पे एक ग्लास गुड़ लिया है, और जो पानी लेंगे वो हम इनका डबल लेंगे. सो एक ग्लास चावल, एक ग्लास गुड़, और 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी. सो मैं तेज पत्ता बताना भूल गई थी, तो मैं एक तेज पत्ता भी डाल रही हूँ, और मैं सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है जो मैंने आपको दिखाया था, एक्सेप्ट ये जो है किशमिश, उनको एंड में डालूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी फूल जाती है. और नारियल है तो आप नारियल भी डाल सकते हो उसमें, तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे. ड्राई फ्रूट्स की अच्छी सी खुशबू आ गई है, मैं ये चावल डाल दूंगी इसमें, और चावल को भी मैं रोस्ट करूंगी, थोड़ा सा फ्राई करूंगी. सो चावल जो है रोस्ट हो गए हैं, इसमें मैं डालूंगी अभी 2.5 ग्लास के करीब पानी. पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें मीठे चावल में, और इसमें डाल देंगे हम सारा जो गुड़ है वो. आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है ना, नॉर्मल वाला गुड़ है, तो उसको यू नो पानी में थोड़ा सा भिगो लें, उसके बाद उसको यू नो डाल सकते हैं आप उसको मिक्स करके. अभी हम इसमें एक उबाल आने देंगे. सो चावल में एक बॉयल आ गया है, तो मैं इसको कुकर को बंद करके एक सीटी लगाऊंगी हाई फ्लेम पे, और एक सीटी मीडियम फ्लेम पे, और फिर बंद कर दूंगी. और आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे ना रिगार्डिंग दिस, ये ब्रास का किसको वॉश कैसे करना है, छन्नी ठीक है क्या? सो ये जो छन्नी एब्सोल्युटली फाइन है, इसमें से चाय पत्ती वगैरह कुछ नहीं गिरती है. मेरा भी यही डाउट था जब मैंने ऑर्डर किया था ना कि चाय पत्ती निकलेगा क्या, बट दिस इज परफेक्टली जैसे छन्नी होना चाहिए वैसे ही प्रॉपर. और देखिए मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही वॉश कर रही हूँ, साबुन के ही नॉर्मल विम लिक्विड से जो है ना वैसे ही वॉश कर रही हूँ. बस ये स्क्रब यूज़ करना है आपको, हार्ड वाला यूज़ नहीं करना है. और मंथ में एक बार आपको बेकिंग सोडा और जो आपका लेमन होता है ना जूस, उसके साथ उसको साफ करेंगे ना तो बिल्कुल चमक जाएगा. एनी जैसे हम किसी भी ब्रास के सामान को करते हैं ना साफ, वैसा ही है. काफ़ी इजी है मेंटेन करना, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है इसका. और ये देखो किचन की खिड़की से क्या मस्त धूप आती है मेरे सीधे बर्तनों में, और बर्तन मस्त सूख जाते हैं बिल्कुल. ये देखिए चावल बन गया, और इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसमें से ना, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही है. सो या देखिए बन गया, थोड़े से गीले गीले ही बनते हैं ये मेरे गुड़ चावल, एंड लुक्स यम्मी. चलो खाते हैं, टेस्ट किया जाए. और मैंने अपने पापा को टेस्ट करवा लिए, और मैं आपको भी टेस्ट करवा रही हूं. बहुत अच्छा लगता है ना फॉर अ चेंज विंटर में. थैंक यू. जब बचा कुचा काफ़ी कुछ बच जाए ना तो साइड पे थोड़ा सा ही बना लो, काफ़ी अच्छा लगता है. क्या हुआ? तो विंटर से याद आया कि यू नो एक दो लोगों ने मुझे लिखा था यार विंटर में सुभाष आप लोग शॉर्ट्स तीनों शॉर्ट्स पहन के घूमते हो. तो सुभाष ने आज थोड़ी सी लंबी पैंट पहनी है, शॉर्ट नहीं पहनी, उसे देखो फुल पहनी है. बट जोक्स अपार्ट, हाँ शॉर्ट्स पहनते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम दिल्ली, यू नो दिल्ली की सर्दी, और पुणे में आके महाराष्ट्र में क्या हुआ, मधुमक्खी मोटी. बंद कर दो, बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो, नहीं आएगा, बंद करो. सो पुणे में आके यार नहीं लगती ठंड, मतलब यहाँ पे जो दिल्ली का जो सुहाना मौसम होता है ना वो यहाँ का विंटर है.
यहाँ की सर्दी मतलब लगा लो अप्रैल में जो सर्दी होती है दिल्ली में उस तरह का एकदम बहुत सुहाना मौसम अच्छा है तो नहीं होती ठंड, इसलिए यहाँ पर ठंड होती है। हम शॉर्ट्स में ही रहते हैं, हम फैन लिया सो हम शॉर्ट्स में ही रहते हैं। पढ़ने को मिला है नया टास्क, क्या टास्क करना है आपका जरा बताओगे? टेबल साफ। तो आप एंजॉय नहीं कर रहे हो ऐसे टेबल साफ करना, ऐसे करके बात कर रहे हो? हाँ बोलो तो, बोलो तो, बोलो तो। क्या होता है आपके, आपका ड्यूटी है ये यानी की ड्यूटी, आजकल नई ड्यूटी है कि खाना खाने के बाद पूरा टेबल अनिया साफ करेगी। यू शुड क्लीन योर ओन मेस। और सब काम होने के बाद फाइनली हाथों को मिलता है कुछ देर के लिए शांति। सो मैं ये लगा रही हूँ अभी द फेस शॉप का चेरी ब्लॉसम, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और ये रही हमारी पैडी। हाय, बहुत अच्छा है, मैंने इसको एक सुपरस्टार जैसे बना दिया है देखो। और ये न्यूट्रोजेना का ये हैंड क्रीम भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, तो ये बहुत अच्छा है विंटर के लिए, बहुत स्टिकी है बट आई डोंट नो मुझे सूट नहीं किया, अगर आप में से कोई यूज करे तो बताना मुझे। मैं जब भी इसको लगाती हूँ ना मेरी स्किन की जो वो कहते हैं ना ऊपर की लेयर है ना ये ऐसी कुछ तो पपड़ी जैसी क्या आई डोंट नो व्हाट टू से, अपर लेयर जो है स्किन की ना वो निकलनी शुरू हो जाती है। सो मैंने इसको अभी एक दो हफ्ते से बंद कर रखा है, आई एम नॉट यूजिंग दिस, सो आई डोंट नो। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और चल रहा है सबसे मुश्किल काम, और वो काम क्या है? मेरा पढ़ाई। गॉड, एग्जाम्स है इसके, मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स में भी तब से लेके बैठी हूँ उसको 1 घंटे से, तब से चल रही मैडम की पढ़ाई। उफ, 4 डेज एग्जाम्स खत्म हो फिर शांति, मतलब दो मतलब इतना स्ट्रेस नहीं है एग्जाम का बट फिर भी यार मतलब जो पेरेंट्स है वो समझ सकते हैं। सो मैं करती हूँ ये दुनिया का सबसे टफ काम, इस नोटिस मंकी को पढ़ाना। और मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सो अगेन आई रियली होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, लगा है तो डू गिव अस अ थम्स अप और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और हमें आपका कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना अनन्या? बहुत स्पेशल लगता है आपके कमेंट। अनन्या भी आपके कमेंट्स पढ़ती है काफ़ी बार, वेरी वेरी लवली कमेंट्स, थैंक यू। एंड डू सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। सो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। अगर ये सब काम नहीं किया तो क्या करूँगी मैं मम्मा? अनन्या आपको फ्रीज कर देगी।